हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू आर वाचिंग अवर्स ब्लॉग एंड रेसिपीज एंड हियर आई एम आशा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सभी चंगा खासा काम करंग हो। सो इस काम करंग को साथ में लेकर मेरे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये काम करंग क्या होता है। काम करंग का मतलब होता है कुशल मंगल। ये गाना सुन रही हूँ और साथ में गा भी रही हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं सुना सकती, बेसुरा गा रही हूँ मैं। दुलप आए, दुलप साहब दुलप दत्ता मेडिसिन पत्थर मुझे तो सीजे पीछे और सीजे करी फिर सुनता थी और तुम करी सीजे आज सुनता थी सीजे कागज के मैं क्या बुदिखिबो यहाँ लोग सीजे करी ना हाय अपन नंग सेल्फ सोनोग्राफी वो खाजंग मानो साक साक नो खाजंग नहीं खाजंग मानो ताबो सेल्फ सोनोग्राफी थे तो मुझे खाई अनि मो कागज लंगे आगे बो जगह खाई और नाइकिन उसे मना मिले। ये देखिए स्टार गोसबेरीज को मैंने नमक मिर्ची से ग्राइंड करके सनलाइट पे सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब ये स्टार गोसबेरी पेड़ में से ख़त्म ही होने वाला है, तो कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा। और भी ज़्यादा करके सुखा के रखूँगी ऐसे बना के। मेरा बंता का ये हाल हो गया, ज़िंदा हो जाएंगे फिर से, ताज़े हो जाएंगे फिर से। शाम को पानी दूंगी, अभी वो है ना धूप ज़्यादा तो छाए पे रख दिया मैंने। और यहाँ पे ये जो जानफेन है इसको टब में रख दिया मैंने। देखिए ये आई पत्ते, बेचारा नया पत्ते निकल रहा है, तब खूबसूरत दिखेगा। यहाँ भी निकल रहा और किचन में मैंने इसको रख दिया। तेज धूप, आज मैंने अपने सोफा को नेकेट कर दिया। ये कवर भी देना ज़रूरी है, बिना कवर के सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है ना, तो ऊपर ये रखना पड़ता है। फिर भी देखिए यहाँ पे ना काला काला सा हो गया है। ये भी निकाल के दो ही देती हूँ, फॉर्म है अंदर बस, इसलिए निकाल के फिर इसको अकेली तो नहीं मैं कर पाऊँगी ये चीज़। मतलब मुझे ब्लैंकेट का कवर और इन सब सारे चीज़ों का कवर लगाने में बहुत मुश्किल दिक्कत होती है। करने से तो कर ले तू, लेकिन दिक्कत महसूस होता है मुझे इस वजह से। जब हवी आएंगे तब धो लूँगी और सूखने के बाद दोनों मिलके कवर करूँगी फिर से। देखिए यहाँ पे ये जीपर लगा हुआ है। कॉफ़ी पी रही हूँ, गर्मी में कॉफ़ी अच्छा ही लगता है। और साथ ही साथ अभी बर्तन पे ना नेल पेन से अपना स्टाम्प लगाऊंगी, नाम का मतलब लिख दूंगी, ताकि मेरा बर्तन ना खो जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखना है, उस दिन निकाली थी जब एनिवर्सरी का पार्टी था ना घर में, जब खाना बनाई थी तब बर्तन की ज़रूरत थी, तो बड्डा सा बर्तन निकालने पड़े, तो अभी नेल पेन से लिख देती हूँ। देखिए ये काम ख़त्म। वो पिंक जो कलर है ना नेल पेन ख़त्म हो चुका था, तो ब्लैक लानी पड़ी। अभी ये मेरा फेवरेट वाला ब्लैक भी ख़त्म होने वाला है। कॉफ़ी पी लेती हूँ। छोटे छोटे स्पून ये भाई की शादी में लाया गया था ना, मीठा खाने के लिए, मीठा मिष्टान्न कुछ ऐसा खिलाए थे। तब ये इसको धो के रख देती हूँ, मसाले के डिब्बे में इसको डालूँगी। ये पैकेट में से निकाली, अभी थोड़ा बहुत बच गया था ना, इसको सुखा के रखती हूँ, बाद में मसाले के डिब्बे में डाल दूँगी। ऐसे स्पून खरीद के पहले मैं क्राफ्ट थिंग का काम करती थी, अभी याद आया ऐसे ना पीकॉक का जो पंख होता है वो इस चीज़ से बनाते थे। कपड़े धोलना ख़त्म। देखिए कम लग रहा है, लेकिन इतना सारा कपड़े धोलने में ही मेहनत बहुत लग गया, बाप रे। ये टॉवल और ये कारपेट्स धोने में ज़्यादा डस्ट कारपेट। चावल चढ़ा देती हूँ, बिजली का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, तो राइस कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ। चावल धुल लिया है, इसमें मैं तेजपत्ता डाल देती हूँ, इससे क्या होगा चावल झरझरा होगा और खाने में मज़ा आएगा। चढ़ा दिया गया चावल,
अभी ये होते होते यहाँ पापा के लिए भी चाय पत्ती बॉईल करके रख दिया है। चाय का टाइम होगा तो चाय दे दूँगी। पापा को ऐसे ग्लूकोन डी जूस ऐसे पिलाने पड़ रहे हैं, मैं खुद भी पी रही हूँ ग्लूकोज वगैरह। ये खाना दोपहर का गर्म करके रख दिया है। देखो मेरा लेमन जूस आप दान बगी तुम्हें लेमन जूस बना रहे छोटे चाची। तो पापा का क्या हुआ ना, पापा का मेडिसिन ख़त्म, पापा ने बोले नहीं। देखिए कितना सारा पानी का बोतल खाली कर देती हूँ मैं, ये अभी का है शाम का बस। ओह ऐसा कबंग नहीं है बोले कि चाहते ना ऐसा कबंग यहाँ तक से तुम नहीं मांग तुम मांग से नहीं तो अब तुम ही पायो कहाँ कहाँ कहाँ। थैंक यू जुग जुग जियो मेरे लाल। आराम ना खा बका पुलिस करूँ था का। घर की झाड़ू पोछा शाम का बाकी है। तो हाँ मैं क्या बता रही थी, तो इस बार मैंने मेडिसिन चेक करना भूल गई, एक इन्हेलर ख़त्म तो नीचे गिरा हुआ मिला, फिर जाके ये चेक किया तो इस पर भी ज़ीरो है। पापा बताए नहीं, मैंने बोला कि आप क्यों नहीं बताते, हर बार मेरे ख्याल में नहीं रहता कि ये चेक करना वगैरह है ना। वैसे तो हर मान चेक करती हूँ तो कभी कभी छूट जाता है वो चीज़। तो पापा ने कहा कि सैटरडे को जब उनके बेटे यानी कि मेरी हबी आएंगे तब बोल देंगे। तो दो दिन कैसे रहेंगे पापा, ये भी उन्होंने नहीं सोचा। पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट चीज़ को कैसे दिमाग से निकाल सकते हैं कोई। हाँ अपने ज़िंदगी का सवाल है, बिना इनहेलर के तो उनका होता ही नहीं ना, सांस लेना भी मुश्किल है। तो एक तरीके से तो लाइफ ही है ना वो इनहेलर पापा के। तो इतना केयरलेस खुद के प्रति कैसे कोई हो सकता है। फिर मैंने मोंटी को कॉल किया, पैसा ट्रांसफ़र करके दिया। फिर मोंटी खुआ में है, ऑफिस गए हैं तो वो लेते आएंगे। वही है चीज़ ना, मतलब है वो चीज़। ले आया मोंटी, अभी मोंटी के वहाँ से मैं ले आई हूँ पापा का मेडिसिन। पापा को मैंने डांटा अभी कि आपको भी थोड़ा केयर लेना चाहिए, सेल्फ केयर है ना। खुद ले रहे हैं इनहेलर, खुद को पता नहीं किया कि ख़त्म हो गया। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभार ही लेना होता है, रेगुलर लेना होता है। इधर से उधर चलते हैं तो इनहेलर लेकर चलते हैं तो पता तो होगा ही ना कि ख़त्म है, बताएंगे नहीं। डरा दिया मेरे को। मैं जब मंडी आई तो झटापट गई कि वो भूल के तो नहीं आया, उसका भी थोड़ा एब्सेंट माइंड रहता है, चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन ये मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, मोंटी को भी पता है इसलिए वो भूले नहीं। और बोतल भर के बड़ी पीसी ने, यंग कॉटर बड़ी ने ये एकदम प्योर मिल्क भेजे है, भैंस का मिल्क। तो बाकी वो बड़े चाचा के वहाँ देकर आई, मोंटी ही लाई, मोंटी के हाथों ही भिजवाई है क्योंकि यंको तो बुढ़ी अभी टाउन में है, उनका तबीयत ख़राब है। तो वहाँ छोटी पीसी भी है एंड काकी के चार जो काकी मुनी है वो भी है, तो वो ही उन लोगों की देख रेख में ही रह रहे हैं अभी यंको तो बुढ़ी। तो वहाँ से मिल्क भेज दिया, प्योर मिल्क, देसी मिल्क। तो बाकी हिस्सा देकर आई मोंटी के वहाँ पे और ये लेकर आई। ये चालूंगे एंड पापा पियेंगे, मैं तो इसका स्मेल भी नहीं ले सकते। शुक्र है मेडिसिन आ गया, अभी राहत की सांस ले सकती हूँ। झाड़ू ख़त्म, अभी पोछा लगाने हैं। और आज डिनर में बन रहा है चिकन बर्ता, तो चिकन बॉयल किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए राइस एकदम झरझरा हो गया है ना, तेजपत्ता या फिर दालचीनी सिनामोन जो है वो डाल के ऐसे राइस कुक करने से वो एकदम अच्छा राइस बनता है। पानी भी हिसाब से देना चाहिए। डिनर 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 बन चुका है। यहाँ पे पोटैटो और फिर साथ में बेम्बू शूट एंड लेमन बेसिल जो कि है बांता, फर्मेंटेड फिश एंड चिकन लर्ड मिलाकर ना, इसको मतलब चिकन फेट मिलाकर बॉईल किया गया है। बनता का खुशबू कितना खूबसूरत से निकल रहा है, खूबसूरती से। और यह है चिकन बर्ता, रेड ड्राई चिल्ली को रोस्ट करके बनाया गया है बस। और यहाँ राइस तो दिखा ही चुकी हूँ, देखिए राइस। और ये दोपहर का 1, 2 एंड यहाँ भी 3।